हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। हम चर्चा कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के बारे में। अभी तक हमने 550 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब हम उसके आगे आपके लिए लेके चल रहे हैं। तब उसके पहले वीडियो स्टार्ट करूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ये क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो सो आप इन्हें जानना ज़रूरी है। आप इन ये सारे वीडियो, पुराने वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और इन्हें देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। बस नागालैंड की ही राजभाषा अंग्रेजी है और दूसरे राज्यों की नहीं है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थी? ये बदरुद्दीन तैयब थे, ठीक। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमाओ भंडारके। ये श्रीलंका की थी, आपको एक अलग से चीज़ हमें इसी के साथ जोड़ के बताए दे रहा हूँ, ठीक है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। दीने इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता क्योंकि लाल का रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7, ये तो आपको पता ही होगा। भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ये क्वेश्चन आपको आता रहे, इसे समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे जान लीजिएगा, ठीक है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। पारस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम के सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एमीटर, एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन खनिज योग किया जाता है? पोटेशियम। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोस से, ठीक। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? राफलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। और इसके अंडे कितने होते हैं? 1.5 से 3 किलो के, ठीक। संसार का सबसे बड़ा छोटा पक्षी कौन है? हामिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ते को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला, ठीक है। एटीएम का पूर्ण क्या है? पूर्ण विस्तार क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। संसद में संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। LPW शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।